वैक्यूम पेंटोड। वैक्यूम पेंटोड ये हमारी एक इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है जो जिसमें 5 इलेक्ट्रोड्स कंबाइन होती है। एक कैथोड होती है जो कि इलेक्ट्रॉन एमिट करने का काम करती है, एनोड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, कंट्रोल ग्रिड, स्क्रीन ग्रिड और सुपीरियर ग्रिड जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करती हैं। ये एनक्लोज होती हैं एक इवैक्यूएटेड ग्लास में जिसे हम वैक्यूम पेंटोड कहते हैं। हमारी जो वैक्यूम टेट्रोड होती है इसमें डायनेट्रॉन इफेक्ट होता है जो इसकी लिमिटेशन होती है, जिसमें एनोड पे सेकेंडरी एमिशन होने लग जाते हैं और वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल बैक होते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम वैक्यूम पेंटोड का यूज़ करते हैं। इसमें इस लिमिटेशन को रिड्यूस करने के लिए हम जिस ग्रिड का यूज़ करते हैं उसे हम सप्रेसर इलेक्ट्रोड कहते हैं। सप्रेसर इलेक्ट्रोड हमारे इस लिमिटेशन को रिड्यूस करता है और हमारे एम्पलीफिकेशन फैक्टर को इंक्रीज कर देता है। और हमारे जो वैक्यूम टेट्रोड है ये वीक सिग्नल को अच्छे से एम्पलीफाई नहीं करता, इसे वैक्यूम पेंटोड उसको ईजिली एम्पलीफाई भी कर देता है। सबसे पहले हम वैक्यूम पेंटोड की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसका आउटर पार्ट एज एनोड वर्क करता है जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इसके अंदर हमारा कैथोड होता है जिसमें कि हीटर कंबाइन होता है जो कि हमारे कैथोड को हीट करता है और इलेक्ट्रॉन एमिट करने का काम करता है। कैथोड के सराउंड एक वायर होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल ग्रिड का काम करती हैं, जिसको हम ग्रिड 1 से डिनोट करते हैं। और कंट्रोल ग्रिड के सराउंड एक और फाइन लाइन वायर्स होती हैं जो कि हमारे स्क्रीन ग्रिड का काम करता है, जिसको हम G2 से डिनोट करते हैं। और उसके आउटर साइड में एक और ग्रिड यूज़ की जाती है जिसमें भी फाइन लाइन वायर्स होती हैं जो कि सुपीरियर ग्रिड होती है, जो कि सप्रेसर ग्रिड होती है, जिसको हम G3 से डिनोट करते हैं। इसलिए इसमें 5 इलेक्ट्रोड्स होती है, एक इलेक्ट्रोड एनोड, अनदर कैथोड, थर्ड वन कंट्रोल ग्रिड G1, फोर्थ वन स्क्रीन ग्रिड G2 एंड फिफ्थ इलेक्ट्रोड सप्रेसर ग्रिड G3। अगर हम वैक्यूम पेंटोड के सिंबल की बात करें तो हमारे वैक्यूम पेंटोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। एनोड हमारा अपर साइड पे है, कैथोड हमारा डाउन साइड पे है जो कि हीटर से कंबाइन है, और हमारे यह है हमारी कंट्रोल ग्रिड जिसको हम G1 से डिनोट किया गया है, यह है हमारी स्क्रीन ग्रिड जिसको G2 से डिनोट किया गया है, और यह है हमारी सप्रेसर ग्रिड जिसको G3 से डिनोट किया गया है। हमारी सप्रेसर ग्रिड हमारे कैथोड के साथ कंबाइन होती है, यानी कि जो हमारा कैथोड का पोटेंशियल होता है वही हमारी सप्रेसर ग्रिड का पोटेंशियल होता है। जो हमारी वैक्यूम पेंटोड है इसमें हम अपनी कंट्रोल ग्रिड को लेस नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं और हमारी प्लेट को हाई पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं। हमारी कंट्रोल ग्रिड प्लेट के पोटेंशियल को यानी कि एनोड के पोटेंशियल को, वोल्टेज को कंट्रोल करती है, और हमारी जो स्क्रीन ग्रिड है उसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, और हमारी जो सप्रेसर ग्रिड है वो नेगेटिव होती है क्योंकि हमारी जो सप्रेसर ग्रिड है वो कैथोड के साथ कंबाइन होती है। जो भी हमारे कैथोड का पोटेंशियल होता है वो ही हमारे सप्रेसर ग्रिड यानी G3 का पोटेंशियल होता है, ये हमारे कैथोड के साथ कंबाइन होती है। अगर हम अपने स्क्रीन ग्रिड के फंक्शंस देखें तो जब हमारे कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारे हीटर हीट करना स्टार्ट करता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंट्रोल ग्रिड, स्क्रीन ग्रिड और हमारे सप्रेसर ग्रिड से होते हुए एनोड की तरफ मूव करते हैं। लेकिन हमारे जो वैक्यूम टेट्रोड थी उसकी लिमिटेशन थी कि हमारे एनोड पे ये इलेक्ट्रॉन्स सेकेंडरी एमिशन करते हैं, और सेकेंडरी एमिशन की वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक होने लग जाते हैं हमारे स्क्रीन ग्रिड की तरफ। इस लिमिटेशन को हमारी स्क्रीन सप्रेसर ग्रिड ओवरकम करती है, यानी कि ये है हमारे डायनेट्रॉन इफेक्ट जो कि वैक्यूम टेट्रोड में होता है उसको रिड्यूस करती है। सेकेंडरी एमिशन यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन दोबारा से एनोड पे रिपेल बैक होते हैं उसको सप्रेस करती है और उसको एलिमिनेट करती है हमारी सप्रेसर ग्रिड, और हमारे इसको इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के बाद ये हमारे एम्पलीफिकेशन फैक्टर को इंक्रीज कर देती है और शील्डिंग प्रोवाइड करती है
एनोड और कंट्रोल ग्रिड के बीच में, जिसे हमारा जो सिग्नल होता है, जो हमारी आउटपुट होती है, उसमें डिस्टॉर्शंस प्रोड्यूस नहीं होती और एक प्रॉपर आउटपुट हमें मिलती है, एक एम्पलीफाइड आउटपुट मिलती है। और हमारी स्क्रीन ग्रिड हमारे कैपेसिटेंस को भी रिड्यूस करती है, जो प्लेट और ग्रिड के बीच का जो कैपेसिटेंस है उसको रिड्यूस करती है, यानी कि सी पी जी के बीच में जो कैपेसिटेंस है उसको रिड्यूस करती है, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो कर सके और हमें एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिल सके जो कि डिस्टॉर्टेड ना हो। यह है हमारा वैक्यूम पेंटोड। थैंक यू।